यह जो आप देख रहे हैं यह एक उत्तर कोरिया का होटल है जिसकी कहानी शुरू होती है 1987 से, जिसका नाम रखा जाता है रयुगयोंग होटल। और इसे उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में एक विशाल पिरामिड के आकार का 105 मंजिला 330 मीटर ऊंची गगनचुंबी इमारत बनाने का काम शुरू होता है और 1989 तक इसे पूरा होने की उम्मीद भी की जाती है। लेकिन उत्तर कोरिया में आर्थिक संकट के कारण 1992 में निर्माण रोक दिया जाता है और यह कभी न खत्म होने वाला प्रोजेक्ट्स बनकर रह जाता है, जो यह 2 दशकों से अधिक समय तक एक खाली कंक्रीट खोल के रूप में खड़ा रहता है, जिसे इसे द होटल ऑफ डूम का उपनाम मिलता है। तो आइए दोस्तों रयुगयोंग होटल के निर्माण में आने वाली बाधाओं के बारे में जानते हैं। रयुगयोंग होटल का निर्माण ऐसे समय में शुरू होता है जब उत्तर कोरिया 1990 के दशक में एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा होता है, जो प्राकृतिक आपदाओं, कुप्रबंधन और सोवियत संघ के पतन जैसे कारकों के संयोजन के कारण होता है, जो उत्तर कोरिया के लिए आर्थिक और राजनीतिक समर्थन का प्रमुख स्रोत था, जिसके कारण संसाधनों में भारी कमी होती है और परियोजना को पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इस अवधि के दौरान उत्तर कोरिया का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 50% कम हो जाता है, जिससे व्यापक भोजन की कमी, सार्वजनिक सेवाओं का टूटना और आबादी के जीवन स्तर में सामान्य गिरावट आती है। रयुगयोंग होटल का निर्माण इस समय के दौरान उत्तर कोरिया सरकार द्वारा शुरू की गई कई भव्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक था, क्योंकि इसने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजित करने की मांग की थी। रयुगयोंग होटल और अन्य परियोजनाओं के निर्माण के वित्त पोषण के लिए उत्तर कोरिया ने जापान और यूरोपीय संघ सहित विदेशी सरकारों और वित्तीय संस्थानों से पर्याप्त ऋण प्राप्त किया। हालांकि ये ऋण देश की आर्थिक गिरावट को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थे और इसके बाद के वर्षों में उत्तर कोरिया को महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हाल के वर्षों में उत्तर कोरिया ने आर्थिक सुधार, विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के संयोजन के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की मांग की है। हालांकि प्रगति धीमी रही है और देश को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच और बुनियादी ढांचे की कमी सहित कई महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, किसी भी होटल के निर्माण के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है, जो उत्तर कोरिया में आसानी से उपलब्ध नहीं थे। नतीजन उत्तर कोरियाई सरकार को मिस्र, जर्मनी और फ्रांस सहित अन्य देशों से श्रमिकों और विशेषज्ञों का आयात करना पड़ता है। होटल के शुरुआती डिजाइन में कई खामियां थी, जिनमें नींव में उचित सुधार की कमी और हवा के अपर्याप्त प्रतिरोध शामिल है। इन गलतियों को ठीक किया जाना था, जिससे निर्माण में और देरी होती है। रयुगयोंग होटल के निर्माण की लागत लगभग 750 मिलियन डॉलर रखी गई थी, जो उस समय उत्तर कोरिया के लिए काफी बड़ी राशि थी। सरकार ने परियोजना के लिए धन सुरक्षित करने के लिए संघर्ष किया और कई निवेशकों ने परियोजना को अधर में छोड़ दिया। रयुगयोंग होटल का निर्माण उत्तर कोरिया में राजनीतिक अस्थिरता के समय शुरू होता है, जिसमें इसके संस्थापक नेता किम इल सुंग की मृत्यु भी शामिल होती है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण परियोजना की प्रगति में देरी और अनिश्चितताएं बढ़ती जाती हैं। यह इमारत एक दशक से अधिक समय तक अधूरी और खाली पड़ी रहती है और देश के आर्थिक संघर्षों के प्रतीक के रूप में इसकी अक्सर आलोचना भी की जाती है। लेकिन 2008 में निर्माण फिर से शुरू होता है और भवन का बाहरी भाग आउटर सरफेस 2011 में पूरा कर लिया जाता है। उत्तर कोरिया के रयुगयोंग होटल को जनता के लिए कब खोला जाएगा, इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि इमारत का बाहरी हिस्सा 2011 में पूरा हो गया था, लेकिन आंतरिक निर्माण कार्य चल रहे थे और होटल अभी तक खोला नहीं गया है। हाल के वर्षों में उत्तर कोरिया सरकार ने देश के पर्यटन उद्योग को विकसित करने का इरादा व्यक्त किया है और रयुगयोंग होटल को इस योजना के प्रमुख तत्वों के रूप में बताया गया है। हालांकि प्रगति धीमी रही है और यह स्पष्ट नहीं है कि होटल जनता के लिए कब खोला जाएगा। कभी कभार विदेशी आगंतुकों को होटल के कुछ हिस्सों में जाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन यह सीमित और दुर्लभ है। यह देखा जाना बाकी है कि कब रयुगयोंग होटल जनता के लिए अपने दरवाजे खोलेगा और क्या यह एक लग्जरी होटल और उत्तर कोरियाई आर्थिक और तकनीकी कौशल के प्रतीक के रूप में अपनी मूल दृष्टि को पूरा करेगा। इमारत के बाहरी हिस्से को कांच के पैनल और LED लाइट्स की एक श्रृंखला से ढका गया है, जो रात में एक आकर्षक दृश्य प्रभाव पैदा करते हैं। होटल को 3000 से अधिक कमरों के साथ साथ इमारत के शीर्ष पर एक घूमने वाला रेस्तरां बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। अपने प्रभावशाली आकार और अद्वितीय वास्तुकला के बावजूद रयुगयोंग होटल अपने लंबे और परेशान निर्माण इतिहास के साथ साथ इसकी वास्तविक उपयोगिता और आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में सवालों के कारण विवाद और आलोचना का विषय रहा है। यह भवन कई वर्षों तक अधूरा और खाली पड़ा रहा और यह अभी तक एक कार्यशील होटल के रूप में जनता के लिए नहीं खुला है। हालांकि बाहरी रूप से पूरा होने के बावजूद होटल अभी तक जनता के लिए नहीं खुला है, आंतरिक निर्माण कार्य की खबरें आई हैं और उत्तर कोरियाई सरकार ने कहा है कि होटल अंततः एक लग्जरी होटल
और पर्यटन स्थल के रूप में खोलेगा। रजुगियोंग होटल अपने प्रभावशाली आकार और अपने अनूठे इतिहास दोनों के लिए दुनिया भर के कई लोगों के लिए आकर्षण और जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। तो दोस्तों, रजुगियोंग होटल के बारे में आप कितना जानते हैं और क्या यह होटल लोगों के लिए खुला या नहीं, अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इस वीडियो को देखने में मजा आया हो या आपको कुछ न्यू जानने को मिला हो तो एक लाइक जरूर ठोकना और फैक्ट ऑफ फ्यूचर चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियो की अपडेट्स को मिस ना कर सको। तो दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।